हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी वाइफ पॉइंट पर, जिसमें कि फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए आपको बताने आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि सीईटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट आपका नया आया है, ये सीईटी का एक नया अपडेट आया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, क्या है कि NRA एक्सपेक्ट टू कंडक्ट सीईटी फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 ऑनवर्ड्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, अभी NRA जो है उसने अभी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि NRA जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। कब से? तो सितंबर 2021 से। ठीक है, तो इस साल हम लोग आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि मैम CET कब से आएगा, कब से एग्ज़ाम लेगा, क्या होगा वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ अभी ये इसने क्लियर कर दिया है कि CET के अंतर्गत एग्ज़ाम कब से होगा, तो सितंबर 2021 से। तो अभी आपके पास पूरा एक साल का समय है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि NRA इज एक्सपेक्टेड कंडक्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्री टेस्ट, कॉमन इंडस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपका दे दिया है। अब देखिए और क्या दिया है इसमें, आपका अपडेट क्या है, तो इसमें जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ये जो होंगे ये आपका आठवीं अनुसूची में जो आपका सभी भाषाएँ दी गई है उन सभी भाषाओं में ये एग्ज़ाम्स होगा। और देखिए इसमें और अपडेट क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि NRA एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट CET फ्रॉम सेप्टेम्बर 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यानी कि देख लीजिए जो इस साल है यानी 2020 में, इस साल आपका जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो जैसे होते थे पहले वैसे ही होंगे। अगले साल जब सेप्टेम्बर 2021 से जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके वो CET के अंदर होंगे। ठीक है, तो देखिए CET के अंदर आपका क्या क्या अनाउंस किया गया था कि SSC, बैंक और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सभी एग्ज़ाम्स CET के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो सभी एग्ज़ाम्स के कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे, तो सिर्फ जो प्री के एग्ज़ाम्स होंगे वो सभी CET के अंदर होंगे, तो इसलिए आप लोग को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बैंक के प्री में आपका क्या क्या सब्जेक्ट आता था, तो बैंक के प्री में आपका आता था मैथ्स आता था, इंग्लिश आता था और रीजनिंग आता था। ठीक है, देखिए मैथ्स आता था, इंग्लिश आता था और रीजनिंग आता था। SSC के एग्ज़ाम में क्या क्या आ जाता था, तो मैथ आता था, इंग्लिश आता था, रीजनिंग आता था और GK का सेक्शन आता था। ठीक है, और वहीं आपका अगर रेलवे के एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो उसमें मैथ, रीजनिंग और GK का सेक्शन आता था। तो हो सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से अब तक बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपका जो CET के अंदर जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ का सेक्शन आएगा, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो हो सकता है कि इसमें कहा गया है कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो हो सकता है ये जो इंग्लिश का जो सेक्शन है ये आपका लैंग्वेज का सेक्शन हो। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज का सेक्शन हो कि जैसे हिंदी लेना हो, उर्दू लेना हो, इंग्लिश लेना हो, मराठी लेना हो वगैरह वगैरह, जिनका जो लैंग्वेज है। एक आपका रीजनिंग का सेक्शन बनेगा और एक आपका GK, और हो सकता है कि इसमें GA का भी कुछ सेक्शन हो क्योंकि बैंक में आपका GA आता है, तो हो सकता है कि ये भी मैथ्स भी आपका 25 नंबर का हो, लैंग्वेज आपका 25 नंबर का हो, रीजनिंग भी आपका 25 मार्क्स का हो और GA भी 25 मार्क्स का हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्री का एग्ज़ाम होगा जो कि NRA कंडक्ट करेगा। उसके बाद आपके जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे वो जैसे एज इट इज होते हैं वैसे ही आगे भी होंगे। तो चलिए बस इतना ही अपडेट था आज के लिए जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इसके बारे में फटाफट से अपडेट जान लें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।